एक चीज की आदत डल जाती है उन्हें कि उनका एक पैर क्लच के पैंडल पर रहता है जो कि दबा ही रहता है, जिस वजह से ये कार्बन जो है बहुत जल्दी खराब होते हैं। एक क्लच प्लेट है इधर, और ये इस बीच में जो है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे कार्बन चलते हैं। कार्बन में आप जी, और ये जो कार्बन है ये क्लच का कार्बन है। आप कि जो है ये कार्बन जो ये मैंने डाल दिए, मैंने जो है अभी एक जुगाड़ किया इसमें। नमस्कार सभी दोस्तों को, राम राम। आपका इंजीनियर अभिषेक चैनल पर स्वागत है। आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो काफी हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं। आप क्लच यूज करते हैं और उसमें क्या होता है, आपका क्लच का जो एक कार्बन होता है वो कार्बन घिस जाते हैं, जिस वजह से आपका कार्बन घिसने की वजह से आपका क्लच जो है काम करना बंद कर देता है। जैसा आपको पता है कि महिंद्रा 265 है ट्रैक्टर, ये आपका क्लच पैंडल है, और ये क्लच पैंडल हमने दबाया और देखो मैं कैसे उंगली से ही दबा पा रहा हूँ इसे नीचे तक, और ये जो है आपका नीचे तक अड़ रहा है, क्लच नहीं बिच रहा, क्योंकि इसके मैंने अभी नीचे के कार्बन खोल दिए हैं। ये देख लो कार्बन कैसे नीचे गिर गए। अब मैं आपको नीचे एक बार दिखा दूं, मैं आज आपको इसी वीडियो में कार्बन कैसे डलते हैं सब दिखाऊंगा। मैं एक बार फ्लैश जला लेता हूं। हाँ तो देखियो किसान भाइयों, ये जो आपको दिखाई दे रहा हो ये जो है ये क्लच प्लेट है इधर, और ये इस बीच में जो है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे कार्बन चलते हैं। कार्बन मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये जो है आपके सामने चुंबक टाइप का लग रहा है, ये कार्बन है, ये चुंबक नहीं होती, ये कार्बन होता है। जैसे ही हम क्लच का पैंडल दबाते हैं, एक बार दबा के आपको दिखा दूँ, देखो ये क्लच का पैंडल हम जैसे दबाते हैं तो इस बीच में ये कार्बन होते हैं जो कि इसमें से कार्बन निकल के नीचे गिर चुका है क्योंकि ये घिस गए हैं कार्बन। अभी हम आपको दूसरा नया कार्बन दिखाएंगे। इसमें क्या होता है कि ये टू पीस में कार्बन है, कार्बन जो है ये टू पीस में डला हुआ है। देखो यहाँ से पार्टीशन हुआ हुआ है इसका, अगर इसका यहाँ पे पार्टीशन नहीं होगा तो ये जो ये रोड आ रही है ये आपके सामने जो है ये कनेक्टिंग रोड है, ये शाफ्ट चलती है इसमें, ये पिछले इंजन से जाती है पिछले हिस्से के लिए, ठीक है जी। और ये क्लच के बीच में संपर्क में कार्बन होते हैं, और ये पेंडल जो है हमारा इस टाइम फ्री हो रहा है। अब मैं आपके सामने इसमें एक बार क्लच का आपको दिखा दूं कि कार्बन नया वाला कैसा है। तो किसान भाइयों मैं आपको दिखा दूं, ये जो है आपके सामने, ये है आपके सामने कार्बन, ठीक है जी। और ये जो कार्बन है ये क्लच का कार्बन है। आपका जो ये क्लच है, आप सभी ट्रैक्टर चलाते हैं और किसान भाइयों को, कुछ किसान भाइयों को नहीं पता, उन्हें बता दूं मैं कि जो भी किसान क्लच पर चलाते टाइम, ड्राइविंग करते टाइम एक चीज की आदत डल जाती है उन्हें कि उनका एक पैर क्लच के पैंडल पर रहता है जो कि दबा ही रहता है, जिस वजह से ये कार्बन जो है बहुत जल्दी खराब होते हैं। अच्छी मेंटेनेंस और अच्छी ड्राइविंग उस वाहन को, अपनी मशीनरी को सुरक्षित रख सकती है, लेकिन गंदी ड्राइविंग और रखरखाव सही न होने पर हम उसी मशीनरी को जल्दी खराब कर बैठते हैं। तो मैं आपको आज ये वीडियो मेरी इस पर्पज से थी कि मैं आपको कुछ नई चीज दिखाऊं। जिन किसान भाइयों को ये नॉलेज थी पहले से ही वो एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और मैं अभी आपको ये कार्बन डाल के पूरा जब आगे की वीडियो दिखाता हूँ। अब देखो अब ये क्लच पैंडल जो है इतना नीचे तक जा रहा है, और मैं आपको एक बार कार्बन डाल के दिखाता हूँ ये कैसे दबता है, ठीक है जी। तो किसान भाइयों आपके सामने मैंने अभी बताया था कि मैंने जो क्लच की जो है कार्बन जो ये मैंने डाल दिए, मैंने जो है अभी एक जुगाड़ किया इसमें, पुराने वाले जो क्लच की जो कार्बन थे वही वाले डाल दिए, नए वाले अभी नहीं डाल रहे। अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि काम हुआ नहीं हुआ। हमारा क्लच जो है यहाँ तक जाना था, अगर मैं नया डालता तो ये यहाँ से काम करता, लेकिन अभी यहाँ से काम करेगा, तो काम देखते हैं पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं अभी एक बार आपको दिखा दूं इधर को,
एक बार इधर दिखा दूंगा आपको। ये देखो, एक बार क्लिच दबाना, ऊपर बैठ के क्लिच दबाओगे। देखो ये जो है आपके सामने, इसमें जो मैंने बताया थे कार्बन अंदर होते हैं, ये इधर आपकी क्लच की तरफ से रोड आ रही है। क्लिच दबाया फुल, छोड़ दो। ये देखो, ये जो है आपका क्लच का जो काम होता है, अभी मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके गियर लगा के भी दिखाऊंगा। क्लिच का जो काम होता है, दो शाफ्ट को आपस में बिना घर्षण के जोड़ने का काम होता है, जोड़ने का और हटाने का। ठीक है जी, ये मैंने इसमें कार्बन डाल दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ऊपर एक बार ट्रैक्टर स्टार्ट करके। और हमारी ऐसी वीडियो के लिए हमारे इंजीनियर अभिषेक चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।